पार्टी से चल लड़े हैं, निर्दलीय निर्दलीय भी लड़े तब भी सपोर्ट मिलेगा उन्हें। देखिए वो जिस पार्टी से आएंगे हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। पवन सिंह किसी पार्टी से आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वोट मोहन सिंह को जाएगा। हाँ हाँ, बीजेपी से निकल जाएंगे, बीजेपी से निकल जाएंगे। हाँ, वोट मिलेगा। हाँ, भरपूर सपोर्ट मिलेगा पूरा पूरा। बीजेपी से आएंगे, आरजेडी आरजेडी से तो आ ही नहीं सकते हैं, आरजेडी से आ ही नहीं सकते हैं। आरजेडी से आते हैं या बीजेपी से आते हैं तो सपोर्ट मिलवे करेगा, मिलवे करेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा पूरा। इन दिनों पावर स्टार पवन सिंह चुनावी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उनका कहना है कि हमारे से चुनाव लड़ेंगे, और बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी पावर स्टार पवन सिंह के गांव उनके बाजार सरैया में है, और देख सकते हैं कि उनके करीबी काफी करीबी लोग, उनके कोई मामा लगता है, कोई चाचा लगता है, कोई दोस्त लगता है, तो कुछ साथ पड़ा हुआ है, तमाम लोग हैं। जानेंगे पवन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं, उस पावर स्टार पवन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं जिसने भोजपुरी के लिए इतना कुछ किया, आज जाके विदेशों में भी भोजपुरी का डंका बजवा रहा है। आइए डायरेक्ट जुड़ते हैं। क्या नाम है सर? सुनील कुमार। सुनील कुमार, तो पवन सिंह आरएस से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो आप लोग कितने तैयार हैं? देखिए वो जिस पार्टी से आएंगे हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। हाँ। और जिस पार्टी से आएंगे उस सपोर्ट की सपोर्ट करेंगे हम लोग, मतलब किसी भी पार्टी से आए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा जी। क्या लगता है पवन सिंह को सपोर्ट मिलेगा यहाँ के आरए के जनता को, जिस तरह से कह रहे हैं हमारे से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल मिलेगा, चाहे कोई से पार्टी से चल लड़े या निर्दलीय निर्दलीय भी लड़ेंगे तब भी सपोर्ट मिलेगा उन्हें। निर्दलीय लड़ेंगे तब भी सपोर्ट मिलेगा, मिलेगा उन्हें भरपूर सपोर्ट मिलेगा बिल्कुल। अच्छा, कहा यह जा रहा था कि बीजेपी से पवन सिंह आने वाले हैं, बीजेपी से आएंगे, क्या लग रहा है कि आरके सिंह का टिकट कट जाएगा? कहा जा रहा था कि मोतिहारी जाएंगे, आरके सिंह पवन सिंह आरा से लड़ेंगे। नहीं, टिकट तो उनका उधर से हुआ था, हाँ तो वो टिकट वापस कर दिए। अब इसके बारे में वो अब क्या सोच रहे हैं इसके बारे में वही जाने, हम लोग सपोर्ट करेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा पवन सिंह को किसी भी तरह से जी, कोई भी पार्टी से निर्दलीय आए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ता है। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम सतीश कुमार। सतीश कुमार, ये बताइए पवन सिंह, तो ये बताइए पवन सिंह आने वाले हैं चुनावी मैदान में, तो कितना उनके गांव वाले को लोगों को तरफ से सपोर्ट मिल रहा है? बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा। किसी पार्टी से आएंगे, मान लीजिए आरजेडी से खबरें चल रही आएंगे या बीजेपी से आएंगे, तो कौन जी से आएंगे हमको मालूम ये नहीं है कि क्या सपोर्ट मिलेगा अगर आरजेडी से आते हैं या बीजेपी से आते हैं तो। सपोर्ट मिलवे करेगा, मिलवे करेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा। ये देखिए, क्या नाम जी? दिलीप कुमार। दिलीप ठाकुर। दिलीप कुमार, ये बताइए पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, आप लोग कितने तैयार हैं? क्या सच में पवन सिंह को आरा से वोट मिलेगा? हाँ मिलेगा, तेज बोलिए। हम मिलेगा, मिलेगा। क्या लग रहा है पवन सिंह आरजेडी से आएंगे बीजेपी से आएंगे? अब उनका मर्जी, कहाँ से टिकट मिलता है अपना, पर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। हाँ, भरपूर सपोर्ट मिलेगा। हाँ। क्या नाम होगा सर? दीपू सिंह। दीपू सिंह, दीपू सिंह, पवन सिंह यहाँ से आरा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, तो क्या लगता है आरजेडी से आएंगे या बीजेपी से आएंगे? बीजेपी से आएंगे, आरजेडी आरजेडी से तो आ ही नहीं सकते हैं, आरजेडी से आ ही नहीं सकते हैं, विश्वास है? यस। तो क्या लगता है वोट मिलेगा पवन सिंह को? यस मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, उनको भी मिलेगा। आरके सिंह आएंगे वो जीतेंगे, पवन सिंह आएंगे वो भी जीतेंगे, जीतेंगे। जिसको सिंबल मिलेगा भाजपा का वही जीतेगा, जीतेगा। यस, देखिए ये भी कह रहे हैं कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे। क्या नाम होगा सर? मेरा संदीप कुमार शाह। संदीप कुमार शाह, संदीप कुमार शाह, ये बताइए शाहजी, तो पवन सिंह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, क्या लगता है? लगता है कि बीजेपी से निकल जाएंगे, बीजेपी से निकल जाएंगे। हाँ। वोट मिलेगा, हाँ, भरपूर सपोर्ट मिलेगा, पूरा पूरा पूरा। पवन सिंह का, पवन सिंह का एरिया बोला जाता है, उनका गांव है, उनका क्षेत्र है, प्रखंड है, क्या यहाँ के लोग पवन सिंह को वोट करेंगे? हाँ, बहुत लोग सपोर्ट करेंगे, बहुत लोग सपोर्ट करेंगे, पूरा भरपूर सपोर्ट, बहुत बहुत पूरा भरपूर भरपूर। हाँ पूरा। तो पवन सिंह के आगे लगता है कोई आरएस रहेगा तो सामने टिकेगा? ना नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा, ना मुश्किल है, मुश्किल है। क्या नाम होगा सर? कृष्णा जी। कृष्णा जी, ये बताइए कृष्णा जी, पवन सिंह को आरए के लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं चुनावी मैदान में? देखिए चुनावी मैदान में है अभी आरके सिंह को हराने वाला कोई अभी नहीं है। अभी आरके सिंह का काम किए हैं आरा के लिए, इतना अभी कोई नहीं किया है। ऐसा खबर आ रहा है कि पवन सिंह अगर बीजेपी से टिकट ना मिले तो आरजेडी से आ जाएंगे, उसके लिए स्वागत है, आरजेडी में स्वागत है।
स्वागत है। हाँ, हाँ, क्या वोट मिलेगा उनको? पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा। अभिनेता है वो पवन सिंह है। मतलब कि आप लोगों का कहना है पवन सिंह किसी पार्टी से आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वोट पवन सिंह को ही जाएगा। हाँ हाँ, भरपूर सपोर्ट है उनके गांव के, उनके एरिया के लोग। हाँ भरपूर है, हाँ भरपूर है, आएंगे तो। अब आरजेडी से नहीं आएंगे तो आरके सिंह को दिया जाएगा। अच्छा, आरजेडी से नहीं आएंगे तो आरके सिंह को, आरजेडी से आएंगे तो बीजेपी को फुल सपोर्ट रहेगा ना, तो बीजेपी का फुल सपोर्ट रहेगा, आरके सिंह का रहेंगे तो। हाँ, क्या नाम होगा सर? हरिशंकर। हरिशंकर, हरिशंकर जी, तो ये बताइए क्या पवन सिंह का क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? पवन सिंह का माहौल अच्छा है यहाँ पे। पवन सिंह का माहौल अच्छा है, बताइए कुछ। सब कुछ अच्छा है, पवन सिंह का यहाँ गृह जिला है इसीलिए वहाँ पर पवन सिंह का अच्छा है। पवन सिंह जीत जाएंगे, पवन सिंह जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, पूरा पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है, विश्वास है जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। देखिए इनका कहना है, साफ तौर पे कहना है यहाँ के लोगों का, जो स्थानीय लोग है, क्या नाम होगा सर? मोहन पाठक। मोहन पाठक। हाँ तो पाठक जी ये बताइए, क्या पवन सिंह चुनावी मैदान में आरा से लड़ने वाले हैं, क्या लगता है? नहीं होगा, आरके सिंह, आरके सिंह, आरजेडी से, आरजेडी से भी आ सकते हैं, कोई मतलब नहीं, आरके सिंह, आरके सिंह। देखिए पाठक जी का कहना है आरके सिंह पर, यहाँ के लगातार बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों का कहना है कि पवन सिंह निर्दलीय भी खड़ा होंगे तो हम पवन सिंह का सपोर्ट करेंगे। मतलब कि जो उनकी आसपास की जनता है, जो उनके गांव के लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, या कि जो उनके पड़ोसी हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं कि पवन सिंह अगर आते हैं तो पवन सिंह यहाँ से जीतेंगे, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना खड़े हों। वैसे आपकी क्या राय है? अभी हम सरिया बाजार में मौजूद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं था आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे हैं हेडलाइन धड़क। जय हिंद, जय बिहार।